नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे। भारत में आज कृषि कानून बिल के खिलाफ लगातार आंदोलन जारी है, जिसके लेके विपक्ष जो है सरकार पर सवाल उठा रही है कि यह बिल जो आया, यह बिल को रद्द किया जाए, जिसके लेकर लगातार आंदोलन जारी है। इस आंदोलन को लेकर क्या कुछ कहेंगे भाजपा के प्रदेश मंत्री है डॉक्टर पूनम शर्मा, उनसे जानने की हम कोशिश करेंगे क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि आंदोलन लगातार जारी है। क्या कुछ कहेंगे बिल को लेकर, लगातार विपक्ष भी सरकार पर सवाल उठा रही है कि किसानों के हित में यह बिल नहीं है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आज जो ये 2020 में ये किसान का अधिनियम का बिल जो बना है, ये सब सही मायने में किसानों के हित में है। आप इसको गौर से देखेंगे कि ये बिल बनाया क्यों गया है। जो किसान और मंडी के बीच में जो बिचौलिए आते थे, उसको निरस्त करके अगर डायरेक्ट किसान के थ्रू ही कोई रजिस्ट्रेशन करवा करके अगर उनकी फसल का बिक्री होती है, तो कहीं से भी नहीं लगता है कि ये बिल में कोई गलती है। अब रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष का काम ही है किसी तरह का शोरगुल में करना, कभी किसी चीज़ के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए। मोदी जी के विकास की बहती गंगा में आज कांग्रेस कहीं न कहीं से बहती नज़र आ रही है, और इसी को देख करके आज कांग्रेस और हमारे जितने विपक्ष के पार्टियाँ हैं, ये किसान को गुमराह कर रहे हैं। असल मायने में अगर बिहार की धरती में आकर के देखें, मैं बिहार की बेटी हूँ, मैं खुद किसान की बेटी हूँ, मैं भी जानती हूँ कि किसान कहाँ तक किसे का सुविधा मिल रहा है। आज जो सचमुच में किसान है, आप उसकी स्थिति जा कर के देखें। और ये जो अभी विपक्ष ने जो भरमाया है, वो किसान नहीं है, कहीं ना कहीं से एक प्रोपगंडा है कि हमारे मोदी सरकार के विकास की नीति को ध्वस्त करने की। और मैं आपको बताते चलूँ कि ये इनका हल्ला जितना भी चलते रहे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये बिल किसान के हित है, और आगे भी इस बिल का हम सभी सम्मान करते हैं और किसानों के लिए इस पर हम स्वागत करते हैं। तो नहीं, आप क्या लगे, लगातार आज देख रहे थे बड़े पैमाने पे जो प्रोटेस्ट जारी है दिल्ली के लेकर, तमाम जगहों पर लोग लगातार इस बिल को लेकर खिलाफ बोल रहे हैं, आखिर क्यों खिलाफ है? क्या किसान लोग इसमें है ना? इसमें कहीं कोई किसान नहीं है, कहीं कोई पाकिस्तान के खालिस्तानी बनाने के तुले हुए हैं, कहीं अरविंद केजरीवाल जैसे नेता बीच में अड़चन डालने के लिए तुले हुए हैं, कहीं हमारे जिनको कहते हैं कि समस्याओं के अभी सूत्रधार कोई हैं तो राहुल गांधी हैं, और वही राहुल गांधी आज दिल्ली के गलियों में किसानों को उकसा रहे हैं। कहीं किसान, आम किसान वहाँ पर कहीं भी नहीं है जो कि प्रभावित हो रहा है। तो क्या लगता है यह आंदोलन को लेकर, क्या यह जो बिल लाया गया, क्या यह बिल को बिल्कुल ही केंद्र सरकार पारित करते रहेंगे या खत्म करेंगे यह बिल को? देखिए, केंद्र सरकार की नीति यह है कि इस बिल में अगर कुछ संशोधन किया जाए तो ज़रूर केंद्र सरकार इस पर बात करेगी। इन्होंने किसानों को बताया है कि आप अगर आपके हित में नहीं हो रहा है तो आप कोर्ट में जाओगे, हमारे बीच मध्यस्थता करोगे और हम आपकी बातों को रखेंगे, लेकिन एकदम से निरस्त कर देने की बात तो इस बिल में है नहीं। ये झूठ मूठ में एक विपक्षी द्वारा देश की जो राष्ट्रीयता को उकसाने का काम किया जा रहा है, कभी किसी के लिए, कभी किसी के लिए। आज किसानों को जन आंदोलन में जबरन घसीटने का काम कर रहे हैं। चलिए, आप एक सवाल किए थे, बिहार के बेटी है आप, किसान है, तो बिहार के किसानों के लिए आप क्या कुछ कहेंगे? बिहार के किसानों के लिए कहेंगे कि मोदी जी, हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री, किसानों के खेत के हर हाल को उन्होंने अपने नज़रों से देखा है। वो खुद एक गरीब घर के पैदा हुए हैं, उन्हें पता है कि क्या दर्द होता है। आज जो अन्नदाता हमारा अन्न उपजाते हैं तो उसका सही सही मूल्य क्यों नहीं मिलता है? ये सभी के बीच में बिचौलिया ही आता है, उस बिचौलिया को हटाने के लिए बिल बना है। और मैं चाहती हूँ कि किसान इस चीज़ को जाने और देखें, और इस अभी इतना ज़्यादा डिजिटल इंडिया बन चुका है, हर एक के पास ऐप है और मोबाइल है, वो कहीं से भी जानकारी ले लें कि ये बिल किसानों के हित में ही है। तो आप देख रहे हैं कि मंत्री, भाजपा के मंत्री के द्वारा क्या कुछ कहा गया। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस प्रकार से विपक्ष के द्वारा जो सवाल उठाया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो किसानों को मोहरा बना रहे हैं, और मोहरा बनाने को लेकर ही यह सवाल जो वो किसान के लेकर मोहरा बना रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं बिहार के किसानों के लिए। इन्होंने साफ तौर पे कहा था बिहार के किसान इस जो आंदोलन है, इसमें वो चढ़ बढ़कर भाग नहीं ले रहे। नवादा से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए अमन की रिपोर्ट।